मैं ऋषि चामुंडी से, वो वहाँ पर किसी एक पेड़ के नीचे है जो तपस्या कर रहे थे, और उसके जो चारों तरफ है मिट्टी की, मतलब या डिम्बक आप बोल सकते हैं, उसकी शरीर को डिम्बक ने या घेर रखा था, केवल उसकी आंखें जो वो चमक रही थी। तो सुकन्या ने सोचा कि ये जो दो मोती जैसी चमक रहे हैं ये क्या है, तो उसने कोई नकली चीज उठाकर उसकी आंखों में दे मारी। उसके सैनिकों से लेकर है जो उसके हाथी घोड़े तक थे, उसका मल और मूत्र दोनों बंद हो गया था। तो ऐसा बताया जाता है दोस्तों, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी और वो पूरी तरह से दोबारा जवान हो गए। स्वागत है आपका एस गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम पहुंचे गांव आसन के अंदर, जिसका नाम है अश्विनी कुमार, जो सूर्य पुत्र बताए जाते हैं उनके नाम से इस गांव का नाम पड़ा है। यहां पर एक ऐसा तालाब है जहां पर महर्षि चौंद ऋषि हुआ करते थे, किसी समय में महान ऋषि हुए हैं वो। उनकी जो आँखों की रोशनी वापस आ गई थी और वह बूढ़ी अवस्था से, मतलब वृद्धावस्था से दोबारा है पुनर्जवान हो गए थे, दोबारा जवान हो गए थे। हम आपको वो तालाब दिखाएंगे, और इसके साथ साथ ही यहाँ पर जो जिसके नाम से अश्विनी कुमार नाम से यहाँ पर जो एक गांव बसा हुआ है, उसका गांव वालों ने यहाँ पर एक मंदिर भी बना रखा है, तीर्थ अश्विनी कुमार मंदिर। आप ये आपके सामने देख भी सकते हैं। चलिए तो आपको पहले मंदिर दिखाते हैं, उसके बाद आपको वो तालाब दिखाते हैं जहाँ पर महर्षि चौंद ऋषि की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। इसके पीछे एक बहुत ही रोचक स्टोरी छुपी हुई है, हम आपको वो फिर बाद में बताएंगे। आप यहाँ से ये देख सकते हैं अश्विनी कुमार तीर्थ मंदिर, यहाँ पर जो सूर्य पुत्र हुए हैं अश्विनी कुमार, यहाँ पर उनको यहाँ पर मूर्ति यानी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की हुई है। आप यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी सुंदर मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है। मंदिर गांव वालों ने छोटा मंदिर बनाया हुआ लेकिन काफ़ी खूबसूरत और देखने में अच्छा है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो अश्विनी कुमार होगी, यहाँ पर दो मूर्तियाँ स्थापित की हुई है, आप ये देख सकते हैं। चलिए तो अब आपको ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए आपको सीधे ही वो दिखा देते हैं, वो तीर्थ जहाँ पर जो महर्षि चौंद ऋषि की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। दोस्तों आप ये देख सकते हैं अश्विनी कुमार तीर्थ यहाँ पर ये है जो फिलहाल खाली है, यहाँ पर पानी गांव वालों के द्वारा यहाँ से निकाल दिया गया है, लेकिन ये वही तालाब है, ये वही सरोवर है, ये वही तीर्थ है जहाँ पर है जो महर्षि चौंद ऋषि की आंखों की रोशनी पुनः वापस आ गई थी, वो दोबारा जवान हो गए थे। हम आपको इसके नीचे ले जाकर दिखाएंगे किस प्रकार कितना बड़ा ये तीर्थ है। उस समय कहीं रहा होगा लेकिन आज के समय में देखने में गाँव वालों के द्वारा ये पक्का करवा दिया गया है। किसी समय में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जंगल हुआ करता था, लेकिन आज के समय में जो समय के साथ साथ है, फिर बदल के साथ है, आज ये पक्का हो गया है। इसके चारों तरफ है घाट की व्यवस्था की जा रही है, इस करके ये जो घाट मतलब तालाब है आज यहाँ पर पानी निकाल दिया गया है। इसके साथ ही और रोचक स्टोरी हम आपको बताएंगे, इससे पहले आप ये देख सकते हैं किसी समय में ये दोनों साइड इसकी अष्टकोणीय बुर्जियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। आप ये देख सकते हैं उस समय के जो घाट के अंदर सरोवर के अंदर होना एक स्वाभाविक सी बात है। आप ये देख सकते हैं आज के समय में जो तालाब है पूरी तरह से खाली है, जहाँ पर जो महाराज चौंद ऋषि की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। आप ये देख सकते हैं थोड़ा सा पानी यहाँ पर बचा हुआ है, इसमें भी बिल्कुल पूरी तरह से काई लगी हुई है, आप ये देख सकते हैं। लेकिन ये वही सरोवर है जहाँ पर जो चौंद ऋषि की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि किसी समय में जब यहाँ पर जंगल हुआ करता था, तो वो एक राजा थे श्रीयाती, वो यहाँ पर अपनी सेना के साथ है, जो घोड़ों के साथ, हाथियों के साथ, वो यहाँ पर अपने परिवार के साथ है यहाँ पर जंगल के अंदर आए हुए थे। तो जो राजा था श्रीयाती, उसकी पुत्री थी सुकन्या थी, तो वो जंगल के अंदर थोड़ी सी टहलने के लिए गई वो अपने पिता की आज्ञा लेकर। जब ऐसा बताया जाता है कि जब महर्षि चौंद ऋषि वो वहाँ पर किसी एक पेड़ के नीचे है जो तपस्या कर रहे थे, और उसके जो चारों तरफ है मिट्टी की, मतलब या डिम्बक आप बोल सकते हैं, उसकी शरीर को डिम्बक ने या घेर रखा था, केवल उसकी आंखें जो वो चमक रही थी। तो सुकन्या ने सोचा कि ये जो दो मोती जैसी चमक रहे हैं ये क्या है, तो उसने कोई नकली चीज़ उठाकर उसकी आँखों में दे मारी। तो आप ही सोच सकते हैं, तो एक महान ऋषि जब तप कर रहा है तो उसकी तप में मतलब तपस्या में विघ्न डाल देता है कोई, तो उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तो तब उसने गुस्से में आकर जो ऐसा एक श्राप दे दिया था, जिसके कारण है जो राजा महाराज उसके सैनिकों से लेकर है जो उसके हाथी घोड़े तक थे, उसका मल और मूत्र दोनों बंद हो गया था।
या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं उनके मलमूत्र का वेग अवरुद्ध हो गया। जब राजा को इस बात का पता चला कि उनका मलमूत्र के वेग अवरुद्ध होने का क्या कारण था, तो उन्होंने जो महर्षि चौंद्रिषि था उनके पास जाकर जो प्रार्थना की कि आप इस श्राप से हमें मुक्ति दिलाए। तो किसी विद्वान पंडितों के द्वारा बताने पर ऐसा पता चला है कि अगर आप चौंद्रिषि की या कोई लड़की या आपकी पुत्री बोल सकते हैं सुकन्या अगर इस महर्षि चौंद्रिषि की निस्वार्थ भाव से दिल से सेवा करती है तो आपको इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है। तो ऐसा बताया जाता है दोस्तों। तो जो राजा श्रीयाति थे वो अपनी पुत्री सुकन्या को महर्षि चौंद्रिषि के पास छोड़कर चले गए थे। ऐसा बताया जाता है कि जब राजा था अपनी पुत्री सुकन्या को महर्षि चौंद्रिषि के पास छोड़कर चला गया था, तो उसके कुछ समय पश्चात है जो अश्विनी कुमार सूर्य के पुत्र बताए जाते हैं अश्विनी कुमार थे, वो आकाश मार्ग से होते हुए उस जंगल से होकर जा रहे थे। तो जब अश्विनी कुमारों ने एक सौंदर्य ऐसे देखा कि सौंदर्य कोई लड़की है किसी एक वृद्ध व्यक्ति के साथ, वृद्ध ऋषि के साथ है, रह रही है, तो उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि एक सुंदर लड़की एक जंगल के अंदर है जो ऋषि के साथ क्या कर रही है। जब उन्होंने पूरा सुकन्या के पास आए और अपना परिचय दिया तो उनसे जानने की कोशिश की कि आप महर्षि चौंद्रिषि के साथ क्यों रह रहे हैं, आप किसके पीछे क्या कारण है। तो सुकन्या ने अपना पूरा वृतांत अश्विनी कुमारों को सुनाया। तो अश्विनी कुमारों ने कहा कि आप एक वृद्ध व्यक्ति के एक सॉरी वृद्ध महर्षि चौंद्रिषि के साथ रह रहे हैं, तो हम आपको क्या आँखों की रोशनी वापस लाएंगे। तो उन्होंने जो महर्षि चौंद्रिषि था उनको कहा कि आप जो आप ये तालाब देख रहे हैं इसके अंदर जो डुबकी लगाने को कहा, जब वो उन्होंने इसके अंदर स्नान किया डुबकी लगाई तो ऐसा बताया जाता है दोस्तों उसकी आँखों की रोशनी वापस आ गई थी और वो पूरी तरह से दोबारा जवान हो गए थे। देख सकते हैं आप ये वही तालाब है जहाँ पर है उन्होंने डुबकी लगाई थी और वो पुनर्जवान हो गए थे। लेकिन आज यहाँ पर है ऐसा देखने से मात्र कुछ भी नहीं लगता क्योंकि अब यहाँ पर पानी नहीं है, गालों ने इसका पानी निकाल रखा है, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद है जब महर्षि चौंद्रिषि पूरी तरह से जवान हो गया था तो अश्विनी कुमारों ने भी एक शर्त रख दी कि आपने आपको यह पुनर्जवान किया है तो आपका भी एक छोटा सा कर्तव्य बनता है कि आप हमारा एक काम करें। तो महर्षि चौंद्रिषि ने कहा कि आपने मुझे पुनर्जवान किया है, मेरे लायक क्या सेवा हो सकती है जरूर बताइए, मैं आपकी जितना हो सकेगा आपकी सेवा में समय दूंगा। तो अश्विनी कुमारों ने कहा कि जो देवताओं के यज्ञ होते हैं उनमें हमें अपना पूर्ण सम्मान या अधिकार नहीं मिला है, तो आप हमें वह सम्मान दिलाने की कोशिश करें। तो महर्षि चौंद्रिषि ने अपने ससुर राजा श्रीयाति से कहा कि वो इस स्थान पर है जो एक यज्ञ करे और उसमें जो सभी ऋषि मुनि और देवी देवताओं को बुलाए। इस पर है जो देवेंद्र पूरी तरह से नाराज हो जाते हैं और अश्विनी कुमारों को बुलाने का विरोध करते हैं, जिस पर है महर्षि चौंद्रिषि पूरी तरह से क्रोधित हो जाते हैं और उनमें आपस में पूरा वाद विवाद होता है, जिससे देवराज इंद्र भी क्रोधित हो जाते हैं और वो वज्र प्रहार करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही देवराज इंद्र ने वो वज्र प्रहार निकाला तो महर्षि चौंद्रिषि के तपोबल से उसका हाथ ऐसे ही रह गया, जिस कारण से उन्होंने अपनी हार स्वीकार की और जो महर्षि चौंद्रिषि को है सम्मान किया। तो उसके बाद है महर्षि चौंद्रिषि ने अश्विनी कुमारों को वो जो देवी देवताओं का यज्ञ होता है उनमें अपना सम्मान दिलाया। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर जो गौरव गाथा गांव आसन की यहाँ पर पूरी तरह लिखी हुई है, आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, आप ये देख सकते हैं। आज से 4000 वर्ष पहले यह स्थानीय इतिहास के अनुसार ऋषि मुनियों की भूमि बताया गया है, आप ये ऊपर से नीचे तक देख भी सकते हैं। क्षेत्र की 48 कोश की परिधि में ये 39वें नंबर का ये तीर्थ है दोस्तों। यहाँ पर जो अश्विनी कुमार मंदिर भी बनाया गया है, आप ये देख सकते हैं। इसके लगते ही यहाँ पर एक शिव मंदिर और अश्विनी कुमार मंदिर के लगते ही एक दुर्गा मंदिर यहाँ पर बनाया गया है दोस्तों, आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पर एक पाकिस्तान से आई हुई वेणुगोपाल यानी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति भी यहाँ पर रखी गई है, जो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर आप इतिहास को बिल्कुल करीब से जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसी जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।